बस स्टैंड स्टेशन सुपरिटेंडेंट पठानकोट हरभजन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बसें तो आ जा रही हैं, मगर उन्हें शहरों में प्रवेश ना देकर के बाईपास तक ही रोक दिया जाता है, जिस कारण यात्रियों को दिक्कत होती है और यात्री इधर उधर आगे जाने के लिए साधन ढूंढते रहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जिस प्रकार बसें यहाँ से जा रही हैं, उसी प्रकार जिन शहरों के लिए रवाना की जा रही हैं वहां भी उन्हें जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू से अभी तक जो बसें हैं वो पठानकोट आने की बजाय वह लखनपुर तक ही रुक जाती हैं, और उसी प्रकार दिल्ली जाने वाली बसें भी दिल्ली शहर में ना जा करके बाईपास पर रुका दी जाती हैं, तो यह गलत है। उन्होंने कहा कि जल्द से इन बसों को शहरों में प्रवेश का आदेश दिया जाए। हिमाचल रोडवेज की जी सर्विस वो पंजाब सरकार जो हदायत पिछले दिन हुई सन वो तहत ही जी हिमाचल की बस सेवा पंजाब में आनी शुरू हो गई है। जी पंजाब की सी वो हिमाचल में जानी शुरू हो गई। इस तहत ही पठानकोट डिपू वालों जो दो गड्डिया चंबे में दो गड्डिया जड़िया ने डलौजी चलाईया जा रही ने, एक जी बस वो जे एंड के नाल जो बसोली पुल लगता एक बस जी उतों तक शुरू कर दी है। दिल्ली वास्ते साढ़े को जिस तरह नौ परमन ने नौ ही बसा डेली जा रही ने, सवेरे 5 बजे सर्विस शुरू हो गई है, हर घंटे बाद लगभग बस सेवा फिलहाल जी साड़ी बस दिल्ली वाली आ तो दिल्ली बस स्टैंड से नहीं अजे जा रही, क्योंकि दिल्ली सरकार वालों बसा शहर में अजे जी एंट्री दी जो दिल्ली का बाईपास जिन्होंने कुंडली बार्डर करके जाने जाता उतों तक जी हाँ बस जा रही है।